दिव्य हिमाचल वेब टीवी में आपका स्वागत है। अब आप नीलकांत भारद्वाज से समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचारों में, प्रदेश में सड़कों के रखरखाव को 100 करोड़ का प्रावधान, हिमाचल दिवस पर मुख्यमंत्री ने की घोषणा, नाइजीरिया में बड़ी खौफनाक थी सुनसान जंगल की रातें, 73 दिनों की कैद के बाद वापस लौटे युवकों ने सुनाई आप बीती, लाडलों की सुकुशल वापसी से छलके खुशी के आंसू, अपराध करने वालों को राजनीतिक संरक्षण हरगिज नहीं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कठुआ और उन्नाव मामलों पर जताई चिंता, कठुआ की आसिफा के लिए पालमपुर के युवा सड़कों पर उतरे, बोले गुनहगारों को सजा नहीं दी गई तो उग्र होगा प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के सभी 12 जिलों में रविवार को हिमाचल प्रदेश का 71वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसका राज्य स्तरीय समारोह शिमला में आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मुख्य अतिथि थे। मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय परेड का निरीक्षण करने के बाद प्रदेशवासियों से अपील की कि वे हिमाचल को आगे ले जाने के सपने के साथ आगे बढ़ें। केंद्र की सरकार भी भरपूर मदद कर रही है। उनकी सरकार ने जो 100 दिन का लक्ष्य रखा था वह पूरा किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश भर में 30 नई योजनाएं लागू करने में सफल रही है और इनके लिए बजट का भी प्रावधान है। उन्होंने सामाजिक पेंशन तथा सुरक्षा हेल्पलाइन शुरू करने का जिक्र भी किया। जयराम ने बताया कि सरकार ने 69 हाईवे स्वीकृत करवाए हैं और 45 की DPR मंजूर हो चुकी है। सड़कों के रखरखाव के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने तथा हेलीपैड की संख्या बढ़ाने पर भी मुख्यमंत्री ने जोर दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार CM आदर्श विद्या केंद्र शुरू करने जा रही है, जिस पर 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने डॉक्टरों के 262 पद भरने का भरोसा भी दिलाया। चंचला देवी अगुवाई कर रही हैं गृह रक्षक महिला बल की टुकड़ी की। नाइजीरिया में 73 दिनों की कैद के बाद घर पहुंचे कांगड़ा के तीनों युवकों का घर वालों ने आरती उतार खुशी के गीत गाकर और आतिशबाजी करके स्वागत किया। सुलह के मलोक गांव के अजय कुमार का उनकी मां कमला, पिता रमेश, पत्नी निरंजन और दोनों बेटियों मुस्कान और वर्षा समेत गांव के अन्य लोगों की उपस्थिति में खुशी के गीत गाकर स्वागत किया गया। मैं लगे हर हूँ चौबीस हर घंटे वापस आया और इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। खुशी महसूस बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। उधर नगरोटा बगवा के गांव रड के पंकज की मां सुदर्शना, पिता वेद प्रकाश और बहन प्रियंका ने स्वागत किया। वहीं नगरोटा सूर्य के गांव सुगनाड़ा का सुशील धीमान भी रविवार को अपने छोटे भाई विनय कुमार के साथ घर पहुंचा। घर वालों ने आरती उतार कर और आतिशबाजी करके बेटे के आने की खुशी मनाई। युवकों ने आपबीती सुनाते हुए बताया कि 31 जनवरी तड़के 3:30 बजे उन्हें करीब एक दर्जन हथियारबंद लुटेरों ने धावा बोलकर बंधक बना लिया था। वे उन्हें एक सुनसान जंगल में ले गए, जहां एक टेंट में उन्हें रखा गया। युवकों ने बताया कि इसी दौरान उन्हें सिर्फ मैगी खाने को दी जाती थी। ऐसा खौफनाक मंजर था कि युवक आप बीती सुनाते हुए सहम रहे थे। इसने भी एफर्ट किया, मोस्टली विदेश मंत्रालय, नाइजीरियन एम्बेसी, मिस्टर नाइजीरियन इंडियन एम्बेसी नाइजीरिया मिस्टर रेड्डी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, हिमाचल गवर्नमेंट को भी बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साफ कहा है कि उनकी सरकार ऐसे किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक संरक्षण नहीं देगी जिसने कोई अपराध किया हो। मुख्यमंत्री ने कठुआ और उन्नाव मामलों पर चिंता जताई और कहा कि इन मामलों में आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण देना गलत है। अपराध में संलिप्त लोगों को बचाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए और जो अपराधी है उसको कानून के अनुसार सजा मिलनी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल भी महिलाओं के खिलाफ होने वाले आपराधिक मामलों से अछूता नहीं रहा है। इसे देखते हुए सरकार महिलाओं के खिलाफ होने वाली आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है।
कठुआ की आसिमा को इंसाफ के लिए रविवार को पालमपुर के युवा सड़कों पर उतर आए। उन्होंने सरकार और पुलिस के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाकर अपना रोष प्रकट किया। युवाओं ने कहा कि उन्हें उस भारत की बेटी या बेटा कहलाने पर शर्म आ रही है जहां इस प्रकार का महापाप बच्चों के साथ हो रहा है। उन्होंने सरकार के ढीले रवैये को देखते हुए कहा कि अगर जल्द ही आसिफा के गुनहगारों को सजा नहीं दी गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। पुलिस वालों को भी शर्म करनी चाहिए, धर्म के नाम पे हिंसा करने वालों को भी शर्म करनी चाहिए, और जितने भी ये लोग हैं जो भी बलात्कारी हैं या गंदी सोच वाले हैं उनको भी शर्म करनी चाहिए। कि जो आसिफा के साथ हुआ है, जो उन्नाव में बलात्कार हुआ है, जो कुछ दिन पहले बैजनाथ में हुआ है, तो ये बलात्कार के पीछे क्या कारण है? इसके पीछे है पितृसत्ता, जो पुरुष सत्ता हमारे समाज में है और जिसकी वजह से पुरुषों को पावर दी गई है और वो उस शक्ति का, उस पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें खड़ा होना पड़ेगा, हमें सरकार से पूछना पड़ेगा कि क्यों इस तरह के बलात्कारों को वो राजनैतिक जामा पहनाते हैं, इनको सांप्रदायिकता का नाम देते हैं और हिंदू मुसलमानों के बीच में फूट डलवाते हैं। बॉलीवुड में एंट्री करने वाली दंगल फेम फातिमा सना शेख ने रविवार को पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज की खूबसूरती को करीब से निहारकर खूब मौज मस्ती की। फातिमा नवंबर 2018 में रिलीज होने वाली फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग के व्यस्त शेड्यूल से समय निकालकर धर्मशाला पहुंची हैं। इन दिनों धौलाधार के आंचल में बसे शहर धर्मशाला की वादियों में समय व्यतीत कर रही हैं। रविवार को फातिमा ने मैक्लोडगंज में अपने पुराने मित्रों के साथ खूब मौज मस्ती की। फातिमा ने टेंपल रोड पर शॉपिंग भी की और प्रशंसकों के साथ फोटो भी खिंचवाई। वहीं दंगल फेम फातिमा सना शेख ने दाढ़ी मेले में पहुंचकर कुल्लू के प्रसिद्ध सिड्डू का आनंद भी लिया। फातिमा ने सिड्डू टाइम की कैप्शन देकर इंस्टाग्राम पर फोटो भी अपलोड की है। प्रदेश में 3 दिन तक मौसम साफ रहने के बाद सोमवार से फिर मौसम करवट लेगा। कल प्रदेश में कुछ जगह गर्जन के साथ बारिश होगी। यह सिलसिला 21 अप्रैल तक जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 19 और 20 अप्रैल को शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, सोलन और सिरमौर में कई जगह गर्जन के साथ बारिश की संभावना जताई है, जो किसानों बागवानों की मेहनत पर फिर से पानी फेर सकती है। रविवार को अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहा। अधिकतर क्षेत्रों में दिन के समय तेज धूप खिली रही, जिससे अधिकतर तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दिव्य हिमाचल बुलेटिन इज पावर्ड बाय हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस काला अंब डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। ब्रेक के बाद दिव्य हिमाचल वेब टीवी में आपका पुनः स्वागत है। और अब चलते चलते हमीरपुर की सहकारी सभाओं में गबन को उजागर करने वाले अधिकारी का ट्रांसफर। राज्य स्तरीय बैठक स्थगित करवाने पर हिमाचल किसान यूनियन मंडी भड़की। एनजीओ टूर पर धर्मशाला पहुंचे गाजियाबाद के आईएएस अधिकारी की मौत। हिमाचली तड़का में आइए आज आपको सुनवाते हैं पहाड़ी गायक डॉक्टर मदन झालटा और डॉक्टर मोहिंदर राठौड़ की आवाज में यह सिरमौरी कवाली। बोले मेरी बठने, 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 संगे तेरे करो तो करो का। बोले मेरी बठने, संगे तेरे करो तो करो का। जीव मेरा सोचा बेनी छिड़ा, जीव मेरा सोचा बेनी छिड़ा, इंदो ना भरू तो भरू का। बोले मेरी बठने,
संगे तेरे करो तो करो बोले मेरी बाछने संगे तेरे करो तो करो बोले मेरी बाछने संगे तेरे करो तो करो बोले मेरी बाछने संगे तेरे करो तो करो धड़को तेरी धड़कन के संग अड़को नैनों की चितवन बन नाच उठो पग घुंघरू बांध के बेसुध मेरा संग कान्हा बन तुझे निहारू टुकुरु टुकुरिया अंगों में तेरे अंग भरूं क्या मेरी मोहब्बत मुझे बता दो तेरे संग करूं तो करूं क्या धड़कू जीवे तेरे धड़कन बनियो पड़कू आखे दारा झा बनियो आज की बुलेटिन में बस इतना ही सभी प्रदेशवासियों को दिव्य हिमाचल की ओर से हिमाचल दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।